ये चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और हमारे साथ है रेवाड़ी विधायक, यानी कि अब थकावट दूर करने के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि 27 तारीख को जो मतदान है किस तरह की रणनीति अब उसके लिए बनाई जाए। आपको बता दें, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी लगातार भोपू का शोर बजा हुआ था, रणनीति बनाई जा रही थी। कितना प्रचार इन्होंने किया है, कितना उसका फायदा मिलेगा, एक बार सीधा विधायक जी से जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस बार विधायक चिरंजीवी राव पर है। उनकी भाभी चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी है, तो जाहिर है बड़ी चुनौती थी। आज इन्होंने जो रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया, वो भी हमने दिखाया। और यानी कि इनके पिता जो रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव, बिग बॉस की भूमिका में नजर आए। सीधे प्रचार में उन्होंने कह दिया था कि आप हमारी पुत्र वधु को जिताइए, जैसे आपने हमारे बेटे चिरंजीवी राव को विधायक बनाया, और मैं बिग बॉस की भूमिका में इन पर नियंत्रण रखूंगा और वार्ड वासियों का, शहर वासियों का ध्यान रखूंगा किस तरीके से ये लोग काम करें। तो जाहिर है अब ये थकावट उतारने के लिए हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से 27 तारीख को मतदान होगा उसके लिए काम किया जाए। अब चर्चा कर लेते हैं चिरंजीवी जी, कितनी थकावट है ये बताइए आपको। देखिए, जिस तरह से आज बाहरी जनसमूह लोगों का आज नज़र आया पूरे बाज़ार के अंदर, थकावट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों का जोश इतना था, इतना आशीर्वाद लोगों का मिला, प्यार मिला। मुझे लगता है कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि भारी बहुमत के साथ हमारी प्रत्याशी श्रीमती विक्रम यादव जी को आने वाली 27 तारीख को एक एक वोट डालकर हमारे यहाँ से चेयरमैन बनाएंगे, और विकास जो का जो पहिया है जो पिछले 6 साल के अंदर यहाँ पर रुक गया है उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। चाहे जो सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन जो हादसे होते हैं, स्ट्रीट लाइट बहुत जगह नहीं जलती है, कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रण करने के लिए लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार जिस तरह से मुझे यहाँ से विधायक चुना, उसी तरह से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ से चेयरमैन पद पर बनाएंगे। चर्चा कर रहे थे कि अब प्रचार थम गया, मैन टू मैन जाकर के मिलना है, लोगों से घरों में मिलना है, बिना बैनर के, बिना पोस्टर के, बिना शोर शराबे के, तो उस तरह की रणनीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। एचआर न्यूज भी यहाँ पहुँचा कोठी पे, तो जाहिर है तमाम जो लोग हैं कैसे अब जाएंगे डोर टू डोर, मैन टू मैन ये प्रचार करेंगे, जाकर के अपने मिलेंगे एक एक लोगों से कि वोट रोको कैसे घरों से निकाला जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, तमाम जो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जो प्रचार का समय मिला उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? देखिए, प्रचार करने का समय जो था वो तो कमी था, आप जानते हैं कि बहुत कम लोगों को समय मिला, पर हमने उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर चाहे डोर टू डोर के जरिए या जनसभा करके सब लोगों तक हम पहुंचे हैं, और सब लोगों के मन में एक ही बात यहां पर रही कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही अनेकों काम कराए, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देखेंगे, ट्रॉमा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल बनाया, चाहे 2 जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, जो सड़कें हमारे समय में बनी उसके बाद कोई और इन्होंने बड़ी कोई परियोजना यहाँ पर नहीं लेके आए, कोई ओवरब्रिज नहीं बना उसके बाद, तो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। आज देखिए, व्यापारी भाइयों से मेरी बात हुई, उन सब के अंदर एक डर का माहौल है, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने सारे उनके काम धंधे बंद कर दिए हैं, बिजली का बिल जो आप देखते हैं इतना ज़्यादा आता है लोगों का, तो हर तरह से लोग त्रस्त हैं। जो हमारे किसान हैं वो आज रोडों के ऊपर हैं अपनी बातों के लिए और अपने विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक समय आ गया है, कति जो भाजपा ने करी है उसके विरोध के अंदर 27 तारीख को लोग वोट करेंगे। उम्मीद पूरी है कि 27 तारीख को जो मतदान होगा तो जाहिर है कांग्रेस के प्रत्याशी को मतदान करेंगे, ऐसा इनका सीधा सीधा मानना है जो इन्होंने मेहनत करी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतते, अगर 1% के लिए मान लिया जाए कि विक्रम यादव चुनाव जीतते, सबसे पहला आपका क्या होगा, जो आपने बड़े बड़े वादे करे, आप लोगों से उम्मीदें ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों की लग गई है, कैसे खरा उतरेंगे उन उम्मीदों पर? देखिए, सबसे पहला जो हमारा कदम होगा, आप देख रहे हैं शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, और उसकी आवाज़ ही मैंने समय समय पर उठाई है। बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन जो आप देखते हैं रोज़ हादसे होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने का हमारा काम होगा। तो ये 2-3 एजेंडा जो हमारे हैं, सबसे प्रमुख तो यही रहेंगे कि शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर के अंदर जो अव्यवस्था हो रखी है, कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार है, उसको ख़त्म करने का काम हम करेंगे। जो हमने वादे किए हैं हमने पहले भी उन सबको पूरा किया है, हम कोई ऐसा वादा नहीं करें जिस तरह से भाजपा कहती है कि हम नया बस स्टैंड बना देंगे,
नए हम ओवरब्रिज बना देंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि जो चेयरमैन पद का जो है उसके काम क्या होते हैं। उनको पहले तो ये समझना चाहिए, जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाया, शायद उन्होंने उसको खुद को नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है जो मैनिफेस्टो उन्होंने विधानसभा के चुनाव के वक्त दिया था वही का वही उन्होंने मुझे लगता है कि दोबारा उसको कॉपी एंड पेस्ट करके वहाँ पर डाल दिया है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों को असुविधा ना हो, साफ सफाई शहर के अंदर रहे, लोगों को कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने का हम लोग काम करेंगे। एक ये चर्चा आ रही है कि अब जैसे चुनाव प्रचार थम गया, मान लो अभी और 10-5 मिनट की देरी है चुनाव प्रचार में, क्या लगता है नोट वोट दारू का खेल भी इसमें चलेगा क्या? कहीं आपको लगता है इस तरीके का जो चर्चाएं हैं? देखिए, आज जो आपका मतदाता है वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि हमें किस व्यक्ति को चुनना है, किसको हमें वोट देकर हमारे सबको फ़ायदा है, शहर का विकास है। तो लोग इस सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए लोग काम के ऊपर वोट करेंगे, क्योंकि लोग आज मतदाता कोई ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, सब लोग जानते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, कि वो जानते हैं कि 5 साल जो उनका है, जो उनका विकास होना है, जो उनके काम होने, उसका फैसला 27 तारीख को होगा। तो सब लोग जो वोट करेंगे इन सब चीज़ लोभ लुभाने जो इन्होंने वादे किए हैं या प्रलोभन जो भी ये देंगे उसको दरकिनार करते हुए लोग वोट करेंगे हाथ के निशान के ऊपर। लंबे समय से सत्ता आपके परिवार के पास है रेवाड़ी में, विपक्षियों के निशाने पे आप लगातार रहते हैं, कैसे उनका जवाब देंगे? विपक्षी कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेट किए हुए कैप्टन हाउस को कि इतने साल इनके पास सत्ता है, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने विकास किया है, इसी वजह से मेरे दादाजी को 3 बार बनाया गया, मेरे पिता लगातार यहाँ से 6 बार विधायक रहे और पहली बार है मुझे चुना, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमारी छवि साफ है, हमने लोगों के लिए काम किए हैं। मैंने आपको काम पहले ही गिनवा दिए कि हमारा एजेंडा हमेशा एक रहता है कि लोगों का विकास हो, लोगों के काम हो, लोगों को सुविधाएं जितनी हो सके प्रमुखता से मिले। इसी वजह से लोगों ने मुझकर भी चुनकर भेजा, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास है और विश्वास को हम आने वाले समय के अंदर बनाए रखेंगे। लेकिन अंतिम सवाल कर लेते हैं, ये बताइए, अब जो आप तैयारी कर रहे हैं मैन टू मैन, यानी कि आपके पास आज की रात है, कल का दिन है, किस तरीके से मैन टू मैन आप मिलेंगे, कितनी आप लोगों ने टीम गठित किया, कुछ है, कुछ खुलासा करेंगे? देखिए, अब जहाँ तक है 5 बज चुके हैं, प्रचार की रफ्तार जो है वो अब रुक गई है। अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग हमारे ऐसे हैं जिनके तक हम नहीं पहुंच पाए, हम लोग पहुंचेंगे, मैं भी जाऊंगा लोगों के बीच में, मेरे पिता कैप्टन अजय सिंह यादव जी भी जा रहे हैं लोगों के बीच में, हमारी प्रत्याशी विक्रम यादव जी भी जितना हो सके लोगों से मिल रही हैं। तकरीबन पूरा शहर हमारा कवर हो गया है डोर टू डोर के माध्यम से, मैन टू मैन के माध्यम से, पर फिर भी जो चीज़ें हमारी रहेगी है, बूथ मैनेजमेंट आप जानते हैं उन्हीं का ये 2 दिन रहती हैं, तो उसके ऊपर हमारा अब काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर मजबूती के साथ हम लोग चुनाव हमने लड़ा है। रेवाड़ी से आपका विधायक, आपको विधायक बनने के बाद पहला आपके चुनाव आया है, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखिए, हर चुनाव जो होता है चुनौतीपूर्ण होता है, और आने वाले समय के अंदर पंचायत के चुनाव आएंगे, जिला परिषद के चुनाव आएंगे, वो भी चुनौतीपूर्ण होते हैं। तो हमारा मकसद तो यही है, लोगों के लिए हम काम करें, फैसला लोगों को करना है, आम जनता को करना है कि भाई किसको वो चुनना चाहते हैं। और मुझे पूर्णता से विश्वास है कि हमने जो काम पिछले 1 साल के अंदर किया है, लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहे, लोगों की आवाज़ प्रमुखता से विधानसभा के अंदर उठाया है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग हमें वोट करेंगे और हमारा चेयरमैन यहां से बनेगा। चेयरमैन बनेगा, सीधा दावा ठोक दिया है, जाहिर है। अब मैन टू मैन ये जाएंगे लोगों के पास जिनसे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती विधायक जी के कंधों पर है, क्योंकि भाभी चुनाव लड़ रही है चेयरमैन पद का, और विधायक बनने के बाद पहली ये परीक्षा है विधायक चिरंजीवी राव जी की, कि किसी भी तरीके से एक बार चेयरमैन पद की कुर्सी जो है अपने कब्जे में की जाए और भाभी से जो वादा किया है देवर ने उसको निभाया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News, रेवाड़ी।